ऐसे बहुत सारे सरप्राइज नहीं देने वाली है एजे को। सो ये बात एजे को पता है क्योंकि जो हमने सोचा था वो नहीं हो पाया, ना बर्थडे वाले दिन और ना ही मुझे लगता है आज हो पाएगा। बैठ जाएं क्या? तो मैम तो जैसे तुम्हारे बर्थडे पे प्लान किया था हमने कुछ एंड वो नहीं हो पाया था, सो वैसा ही कुछ प्लान आज किया था एंड वो नहीं हो पाया। सो तुमको बता देता तुम ऐसे ही खुश हो जाओ। तो हम लोगों ने, मैंने, विधि ने, वैभव सर ने और कैनल ने, हम सबने सोचा था तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस। यस आई हैड अ हिंट अबाउट दैट। और तुम्हारे फेवरेट गाने, सो एक था उर्वशी। हाँ ठीक है, तुमको पसंद है ना? हाँ हाँ करते जाना ठीक है। और पता तुमको कौन सा गाना बताओ कनिका? एक पंजाबी गाना बताओ जिसपे हम डे वन से डांस करते आए हैं। कुड़ी मैनू इस गाने पे मुझे डांस करना ही करना है। तो वो बोल रहे हैं हमारे जो कोरियोग्राफर कह रहे हैं यार इस पे नहीं मजा नहीं आएगा। मैंने कहा मुझे करना है ना, मुझे पता है कैसे कुछ होगा वो लड़का। yes. और यही गाना था। yes. देखो। और एक फिर हमने सोचा कि क्योंकि हम तुम्हारे फैन हैं, तुम्हारे काम के, तुम इतनी प्यारी सोल हो और क्योंकि तुम्हारे बहुत खास दोस्त हो, तो हमने एक गाना तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था, मैं तेरा हायरे जबड़ा फैन हो गया। तो ये तीन गाने हमने प्रिपेयर किया था जो हम नहीं परफॉर्म करने वाले हैं और तुम खुश हो जाओ। ऐसे मैं अपने मन में इमेजिन कर लूंगा कि तुम नाचते हुए कैसे दिखोगी। हाँ, बस तुम ऐसे इमेजिन कर लो कैसे दिखोगी। इट्स सो क्यूट, आई कैन टेल यू द इमेजिनेशन। एक्चुअली छोड़ो, अब मैं क्या ही बोलूं, मैं एक्चुअली बहुत अमेजिंग डांसर हूं ना। ये लड़की, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना लोगों को बेवकूफ बनाती है। शॉट से पहले कोरियोग्राफर को बोलती है मुझे नाचना नहीं आता, तो कोरियोग्राफर टेंशन में आ जाता है, फिर अच्छा नाच देती है, कोरियोग्राफर बहुत खुश हो जाता है। तो इसकी ट्रिक है, लोगों को पहले ऐसे करते हैं कि अंडर एस्टिमेट करे इसको, फिर ये दिखा देते हैं कि इसमें कितनी टैलेंट है। ये ना बस थोड़ा हम्बल हो रहा और कुछ नहीं है। निशान की तारीफों में ऐसे एक चीज़ दो चीज़ कहने में बहुत मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि फिर ऐसे डे वन से ऑफकोर्स हम किसी को भी हम मिलते हैं तो ऐसे अलग ही परसेप्शन बना के रखता है। मैं सोच रही थी खड़ूसा है, कैसा सा है, तो बड़ा गुस्से वाला है। मैंने कहा अच्छा इसीलिए इसको एजे के कैरेक्टर के लिए लिया गया, ये है ही ऐसा अपने रियल लाइफ में। फिर धीरे धीरे एक महीना गुजरा, एक महीना शायद वही कन्फ्यूजन जा रहे हो बाय वही एक महीना वही चल रहा था माइंड में। नहीं हुई तो खड़ूसा मैं ऐसे कभी कभी हाय हेलो हम लोग नहीं फर्स्ट डे से हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन वो ऐसे दिमाग में बैठा नहीं खड़ूसा। फिर धीरे धीरे ऐसे अच्छी दोस्ती होने लगी एंड आज बहुत अच्छी हो चुकी है। बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है हमारी। अच्छा ऑन द ट्रैक के हिसाब से जैसे एजे ने शायद गोल्डन को हिट कर दिया, तो मुझे किस को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए हमारा बताएंगे हम आज बर्थडे वाले सागा है, वो तो ऑडियंस को देखने दीजिए कि सागा क्या है एग्जैक्टली। ये तो मतलब वही बाहुबली के टाइप्स। yes. एक सस्पेंस रहने दीजिए, क्यों मारा कटप्पा ने बाहुबली को। इस कटप्पा ने इस बाहुबली को क्यों मारा। देखो सब लोग तुम्हारे लिए एक विश मांग रहे हैं। नहीं देखिए एक विश ये है इनकी, मेरे लिए मैं भी बता देता हूँ, मेरी हर विश पूरी हो जाए। हाँ। बस यही। और मैं इसमें भी सेल्फिश हो रही हूँ थोड़ी सी, ताकि मुझे हर बार केक खाने को मिलता रहे कि इसकी सारी विश पूरी होती रहे और हर विश के पूरे होने के बाद हम ऐसी पार्टी करते रहे, फिर शादी करते होते रहे। चलिए बहुत गेस्ट जा रहे हैं, मेरे को उनको बाय बोलने दीजिए।